हैं तो उनका चेहरा जरूरत से ज्यादा रेड हो जाता है। तो उसका इलाज मैं आपको बताऊंगी, वो भी इतना सस्ता कि आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। इसको मैंने खुद भी आजमाया हुआ है, आपको इसका फौरी रिजल्ट मिलेगा। चेहरे पर थ्रेडिंग या वैक्स करवाने के बाद रेड कलर की जो वेन्स नजर आना शुरू हो जाती हैं या चेहरा जरूरत से ज्यादा सुरख हो जाता है, आपने क्या करना है कि थ्रेडिंग या वैक्स करवाने के बाद चेहरे पर बर्फ की मसाज करनी है, यानी आइस क्यूब्स ले लें या बर्फ का बड़ा टुकड़ा ले लें। उससे आपने पूरे चेहरे पर अच्छी तरह से मसाज करना है। 5 मिनट मसाज करने के बाद आप कोई सा भी टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं वही ले लीजिए और इसको हल्की तह चेहरे पर आपने लगा लेनी है। बहुत ज्यादा मोटा मोटा नहीं लगाना, हल्की हल्की तह लगा लें पूरे चेहरे पर और बिल्कुल रिलैक्स होकर इसके खुश्क होने का इंतजार करें। अगर खुश्क नहीं होता तो आपने इसको 15 से 20 मिनट लगा रहने देना है। 15 से 20 मिनट के बाद आप वॉश करके देखिएगा कि आपके चेहरे पर जरा भी जो है वो सुर्खी नहीं होगी, चेहरा बिल्कुल आपका साफ हो जाएगा। उसके बाद एक और छोटी सी टिप है कि जब आप थ्रेडिंग करवाने लगती हैं तो आप चेहरे पर कोई भी टेलकम पाउडर, बच्चों वाला जो पाउडर होता है, अगर आप प्रिकली हीट इस्तेमाल करें, ठंडा होता है तो ज्यादा फायदेमंद है, नहीं तो कोई सा भी आपके पास पाउडर है आप उसे चेहरे पर लगा लीजिए और उसके बाद थ्रेडिंग करें तो इंशाल्लाह ताला कट भी नहीं लगेगा आपके चेहरे पर और बहुत ज्यादा जो पेन होती है वो भी नहीं होगी। ये आप अप्लाई करने के बाद फर्क देखेंगे। इस तरह से आपको ये टिप्स बहुत छोटी लगेंगी लेकिन उनको अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि इनका रिजल्ट कितना बड़ा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। चेहरा इतना ज्यादा खुश सुरख हो जाता है कि वो एकदम से गर्म हो जाता है, आपका चेहरा हीट अप हो जाता है कि आप हाथ भी नहीं लगा पाती। इसी तरह से डस्ट मिट्टी की वजह से थ्रेडिंग के फौरन बाद छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। आपने फौरी तौर पर ठंडे पानी के छींटे मार के साबुन बिल्कुल नहीं लगाना, एक नाइट के लिए चेहरे पर साबुन बिल्कुल नहीं लगाते थ्रेडिंग या वैक्स के बाद और बर्फ की मसाज करने के बाद आपने इसको लगा लेना है। इससे पेस्ट लगाने से आपके चेहरे पर छोटे छोटे जो थ्रेडिंग के बाद दाने बनते हैं वो भी नहीं बनेंगे, चेहरा सुरख भी नहीं होगा और हीटअप भी नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी दो टिप्स बहुत ज्यादा पसंद आई होंगी और आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँच